हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट जो आप सब ने मुझे मोटिवेट किया बाय योर कमेंट्स एज वेल एज बाय शेयरिंग माय वीडियोस। सो फाइनली द डे हैड केम एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th आरएस अग्रवाल सॉल्यूशंस। होप आगे भी आप सब लोग मुझे ऐसे ही मोटिवेट करेंगे। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपकी कोई भी क्वेरी है, डाउट्स है, प्लीज शेयर मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्स योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। Let's do question number first of exercise 1A, that is number system. Question number first is zero a rational number, justify? Friends, हमें बताना है कि zero rational number है कि नहीं है। उससे पहले हम पढ़ेंगे what is rational number, rational numbers होते क्या हैं? Rational numbers हमेशा p upon q की form में होते हैं, जिसमें p numerator होता है और q denominator होता है, right friends? अब जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं है वो किस केस में हो सकता है? इफ पी अगर हम जीरो माने तो हम क्या वैल्यूज लिख सकते हैं? जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन थ्री, जीरो अपॉन फोर एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं। तो इसका आंसर हमेशा जीरो आता है, राइट फ्रेंड्स? लेकिन अगर हम क्यू की वैल्यू जीरो लेते हैं तो क्या होता है? टू अपॉन जीरो, थ्री अपॉन जीरो, 4 अपॉन 0 हो गया। तो इसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट आता है, राइट? तो हेंस इन द एंड यस, 0 इज अ रैशनल नंबर, लेकिन कब? इफ q इज नॉट इक्वल्स टू